इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। अहमदाबाद शहर के बिल्कुल मध्य में आपको एक मस्जिद दिखाई देगी। ये मस्जिद शहर की सबसे खास पहचानों में से एक है। ये सिद्दी सैयदनी मस्जिद है, जो अपने खूबसूरत सजावटी जालीदार काम और खिड़कियों के लिए पहचानी जाती है। खास तौर पर ये शजर ए हयात या जीवन वृक्ष। अपने निर्माण के 450 वर्ष के बाद भी ये मस्जिद अहमदाबाद शहर की पहचान बनी हुई है। इस शहर में इससे पुरानी और बड़ी मस्जिदें भी हैं, जैसे जामा मस्जिद, और ये मस्जिद जिसका नाम अहमदाबाद शहर के निर्माता अहमद शाह के नाम पर रखा गया था। अहमद शाह ने सन 1411 में इस शहर की बुनियाद रखी थी। पर सिद्दी सैयद मस्जिद एक महत्वपूर्ण धरोहर है और उसकी एक कहानी भी है। सिद्दी सैयदनी मस्जिद को एक एब्सिनियन रईस सिद्दी सैयद ने सन 1572 में बनवाया था। ये वो वर्ष था जिसके बाद गुजरात मुगलों के हाथों में चला गया था। भारत के मध्ययुगीन इतिहास में अफ्रीकियों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। माना जाता है कि वो पहले गुलामों की तरह आए, उसके बाद उन्हें सैनिकों के तौर पर सेनाओं में रखा गया। उनकी सेवाओं के लिए उन्हें बड़े बड़े इनाम भी मिले और वो सत्ता के महत्वपूर्ण पदों तक पहुंचे। मध्यकालीन युग में मलिक अंबर निर्विवादित रूप से सबसे मशहूर सिद्दी थे। सन 1607 में मलिक अंबर निजामशाही के दौर में अहमदनगर के सूबेदार बन गए थे। मस्जिद का निर्माण करने वाले सिद्दी सैयद के बारे में बहुत कम जानकारियां उपलब्ध हैं। दस्तावेजों से पता चलता है कि वो गुजरात के अंतिम शासक सुल्तान मुजफ्फर शाह तृतीय के दरबार में एक रईस थे। दस्तावेजों से ये भी पता चलता है कि सिद्दी सैयद सबसे पहले सूरत के सूबेदार के बेटे की सेवा में आए थे। बाद में वो बिलाल झरझर खान के साथ शामिल हो गए थे, जो एक प्रसिद्ध एब्सिनियन जनरल थे। सन 1576 में सिद्दी सैयद की मृत्यु हो गई थी। पीले बालू पत्थर से बनी मस्जिद सिद्दी सैयद की बनावट में उसी खुशनुमा शिल्पकारी का इस्तेमाल किया गया था, जो गुजरात के सुल्तानों ने अपनी पुरानी राजधानी चंपानेर और अहमदाबाद में अपनाई थी। अफसोस ये है कि गुजरात के उस दौर की सजावटी शिल्पकारी मुगलों की शिल्पकारी के सामने धुंधली पड़ गई, क्योंकि बाद में वहां मुगलों का दबदबा रहा था। गुजरात के सुल्तानों ने 15वीं और 16वीं सदी में जो इमारतें बनवाई थी वो बहुत ही शानदार थी। सामने से खुली इमारत और मेहराबे प्रवेश द्वार से ही देखी जा सकती हैं। सिद्दी सैयदनी मस्जिद में आज भी नमाज पढ़ी जाती है। मस्जिद का सबसे आकर्षक हिस्सा उसकी अर्ध गोलाकार मेहराब वाली खिड़कियां हैं, जिन पर सुंदर जालीदार डिजाइन बनी है, जिनका उपयोग रोशनदानों की तरह होता था। इसकी बड़ी बड़ी खिड़कियों में कई रूपांकन बने हुए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मशहूर है शजर ए हयात या जीवन वृक्ष। ये उस पेड़ की कलात्मक छवि है जो इस्लामी विश्वास के मुताबिक जन्नत में फल फूल रहा है। हालांकि 18वीं सदी में मस्जिद को थोड़ा नुकसान पहुंचा था, बावजूद इसके इसे गुजरात में सल्तनत दौर की आखिरी महत्वपूर्ण स्मारक माना जाता है। ये इमारत गुजरात सल्तनत के अंतिम दौर में और गुजरात पर मुगलों के कब्जे से पहले बनाई गई थी। 20वीं शताब्दी में इस मस्जिद की शिल्पकारी और डिजाइन में नई रुचि पैदा हुई। वो इतनी ज्यादा थी कि आम लोगों के लिए भी ये मस्जिद अहमदाबाद की पहचान बन गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि मशहूर शैक्षिक संस्थान द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अहमदाबाद ने इसे अपने लोगों की तरह इस्तेमाल किया है। ये सच है कि सुंदरता की कोई उम्र नहीं होती।